हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने ब्लूटूथ होम थिएटर को आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन दोस्तों 95% लोगों को ज़रूर पता होगा कि ब्लूटूथ होम थिएटर को अपने स्मार्टफोन के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे पास जेब्रोनी का होम थिएटर है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि ब्लूटूथ होम थिएटर को अपने स्मार्ट टीवी के साथ कैसे कनेक्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम मोबाइल से कनेक्ट करने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेब्रोनी का होम थिएटर है 5.1 जैक का, और ये मेरे पास रियलमी 2 ये फ़ोन है, तो मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो चलिए, यहाँ से वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले होम थिएटर में पावर देना है, तो पावर देने के साथ यहाँ पर ऑन कर लेना है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी मेरे पास ये जो होम थिएटर है ये ब्लूटूथ मोड में है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बी और टी करके एक लाइट ब्लिंक कर रहा होगा। अगर हम इसका इनपुट अगर चेंज कर देते हैं तो ये अलग अलग मोड में जाता है, जैसे यूएसबी मोड में आ जाता है, एफएम मोड में आ जाता है, अलग अलग मोड में चला जाता है। लेकिन ये ऑलरेडी मेरे पास ये ब्लूटूथ मोड में है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हमें क्या करना होता है, अपने मोबाइल फ़ोन लेना होता है और मोबाइल फ़ोन का जो ब्लूटूथ है इसे ऑन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करने के साथ ही यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो जेब्रोनी का मेरे पास होम थिएटर था, तो ये जेब्रोनी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो हम जैसे यहाँ पे जेब्रोनी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइट ब्लिंक कर रहा था, ये लाइट अब ब्लिंक नहीं कर रहा है, अब ये कंटिन्यू जल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमको डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन के होम पेज पर आ जाना है, और यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे म्यूज़िक हम बजाते हैं तो ब्लूटूथ जो होम थिएटर है उसमें म्यूज़िक चलेगा। जैसे मैं आपको कोई एक म्यूज़िक चला कर दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक फाइल। अब इसमें मेरे पास कोई NCS का म्यूज़िक तो नहीं है, लेकिन दूसरा अगर कोई म्यूज़िक लगाते हैं तो कॉपीराइट आ सकता है। फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़रूर आपको म्यूज़िक सुना देते हैं। तो दोस्तों, आप आई होप कि आपको म्यूज़िक सुनाई दिया होगा। तो बस यही तरीका है कनेक्ट करने का। इसके साथ हम MX प्लेयर में भी अगर कोई सा वीडियो अगर प्ले करते हैं तो वो भी वीडियो का जो साउंड है वो मेरे होम थिएटर में ही सुनाई देगा। तो यहाँ से भी हम चलिए एक वीडियो का साउंड हम सबको सुना कर दिखा देते हैं, वो भी प्ले होगा तो होम थिएटर में ही। तो ये मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया था यहाँ से, तो आप इसी का साउंड सुन सकते हो। 12 मेगापिक्सल, चौथा है 2 मेगापिक्सल, और फ्रंट में आप यहाँ पर देख सकते हो 2 कैमरा दिया गया है। दोस्तों, ये वीडियो मैं शूट कर रहा था जब मेरे YouTube से फर्स्ट पेमेंट आया था। उसके बाद मैंने एक फ़ोन परचेस किया था, Realme 6 Pro, तो उसी का ये वीडियो है। अभी तक मैंने इसको डिलीट भी नहीं किया है। तो सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।